जी व्यूअर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड आप जान लें। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिफोर स्टार्टिंग इट्स पैसिव वॉइस यू शुड लर्न द टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रॉपरली। पहले पैसिव वॉइस से पहले इसका एक्टिव आपको आना चाहिए, और एक्टिव के लिए मेरी वीडियोस पहले चल चुकी हैं टेंसेस के ऊपर, आप उनको पहले देखें, और जब आप वो आ जाएगा तो ये पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं है, ये वही एक्टिव वॉइस ही है, उसको थोड़ा सा मोल्ड करना है, दाएं बाएं करना है, और उसको दाएं बाएं कैसे करना है, मोल्ड कैसे करना है। मैं फिर आ रहा हूं वर्ब की तरफ। आई हैव टोल्ड यू 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर मैंने ये भी कहा था वर्ब की पहली फॉर्म में से एस वाली फॉर्म भी निकलती है, इंग वाली फॉर्म भी निकलती है, दो ये होगी, एक फर्स्ट फॉर्म होगी, एक सेकंड फॉर्म होगी, एक थर्ड फॉर्म होगी। और मैंने आपको यह भी कहा हुआ है कि पैसिव वॉइस जितने भी बनते हैं ना, जितने भी टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं, सारों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और आज ये आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो कि जो परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्लियर बात होगी? इस टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा उसमें तो थर्ड होनी होनी है। तो अब आते हैं, थर्ड फॉर्म कभी अकेले में यूज नहीं होती, थर्ड फॉर्म को यूज करने के लिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, और वो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले लेक्चर से लिख के रखे हुए हैं आपके लिए। बी की फॉर्म है, अगर आपने प्रेजेंट में यूज करना है तो बी की फॉर्म यूज करेंगे, इज आर या एम। क्लियर? अगर आपने पास्ट में यूज करना है तो वाज और वर यूज करेंगे। एंड इफ यू वांट टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन यू विल यूज बिन, क्योंकि बिन बी की थर्ड फॉर्म है, और बीइंग जो है ये इंग वाली फॉर्म है। इसी तरह नीचे आ जाए, हैव है, इसकी हैड सेकंड है, थर्ड भी हैड ही है, और इंग वाली फॉर्म हैविंग है। और यही तो मैं कह रहा हूं आपको, बी हैव डू, तीन फॉर्म में ये, इनकी पूरी ये फैमिली, बी की 8 फॉर्म में, हैव की 5 फॉर्म में, डू की 5 फॉर्म में। ये आप अपने पास रखें, ये ना कभी भूलें आप। और उसके बाद विल और शैल को रखें, जो कि फ्यूचर में यूज होता है, जब फ्यूचर आएगा आप देखेंगे विल और शैल यूज होगा। उसके बगैर प्रेजेंट और पास्ट में यही यूज होती है, बी हैव डू में, बी हैव और डू में से। तो आज हम प्रेजेंट तो पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले यू शुड नो व्हाट इज द एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, आपको एक सेंटेंस में देता हूं, आप मुझे बना के दिखाएंगे। मैं आप कहता हूं, तलबा पेपर हल कर चुके हैं, स्टूडेंट्स पेपर हल कर चुके हैं, तो क्या आएगा, द स्टूडेंट्स have solved the papers। चले papers लगा लें, ये है students have solved papers, तलबा paper हल कर चुके हैं। इसमें clear कर देखें बेटे, have के साथ ना verb की third form लगी हुई है, third form है, और ये have है, और have क्या है, ये मैं यही तो कह रहा हूं आपको, have की form ही याद करें आप, ये have है, देखें have है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर यूज होगा। तो हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शाबाश। तो आज मैं आपको इसका पैसिव वॉइस सिखाने वाला हूं, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तलबा सवालात या पेपर हल कर चुके हैं, पेपर हल किए जा चुके हैं तलबा से, इसका तरीका ये होता है। फिर देखें, प्रेजेंट है तो हैज हैव लगेगा, चूंकि बेटे प्रेजेंट में लगती फर्स्ट फॉर्म है, ये बात याद रखें, तो ये हैज हैव फर्स्ट फॉर्म ही तो है, देखें ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कहते हैं इसको, हैज हैव लगेगी। सेकंड होता तो हैड लगनी थी, सेकंड होगा ना ये पास्ट में, अगर यहां मैं पास्ट कर दूंगा पास्ट परफेक्ट तो हैड लगेगा, हैड लगा देंगे हम, क्योंकि हैड सेकंड फॉर्म है ना। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट फर्स्ट लगती है, प्रेजेंट ही है। देखो, पहली फॉर्म को प्रेजेंट भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, दूसरी फॉर्म को पास्ट भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह ये फॉर्म है, और ये प्रेजेंट में यही लगनी है, इनमें से कुछ, बी इज आर एम, हैज हैव और डू डज, पास्ट में ये लगनी है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में ये लगना है,
परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगनी वर्ब की और लगा दी मैंने हैव लगा दिया है। हैव कहां लगना है, हैज कहां लगना है, ये मैंने नीचे प्रोनाउन लिखे हुए हैं, नाउन भी प्रोनाउन भी। ये जो ग्रुप है ना, ही शी इट और सिंगुलर नाउन जितने भी हैं दुनिया में, इन सब के साथ लगना हैज, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ लगना हैव। अगर आपको नहीं पता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोबारा देखें आप, क्योंकि उसी में भी ऐसा यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज द ओनली टेंस वेयर वी यूज सिंगल फॉर्म ऑफ द वर्ब एज वेल एज एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वहां पता चलेगा एस कहां लगता है। तो ये ग्रुप तो मैंने दिया हुआ वहां कि ही शी इट और सिंगल के साथ एस वाली फॉर्म लगनी है जैसा कि लगाया मैंने, और आई वी यू दे के साथ हैव वाली फॉर्म लगनी है। तो यही तो हम कर रहे हैं, ये प्लूरल तो है, देखिए स्टूडेंट प्लूरल है, और ये सारे का सारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला, इसको सब्जेक्ट तो कहते हैं, और ये वर्ब है, और ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यही तो हमारा इंग्लिश का रूल है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसी को नहीं आपने रूल को छोड़ना। और मैंने आपसे कहा था जिस टेंस में, जिस सेंटेंस में जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इज मस्ट टू टर्न द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमने उठा के सब्जेक्ट बनाना है। जैसा कि स्टूडेंट ने पेपर हल कर लिया है या स्टूडेंट पेपर हल कर चुके हैं, तो करने वाले कौन है, जो काम करने वाला होता है उसको तो हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पे काम हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पेपर हल किए हैं किन होने किए हैं, तलबा ने, करने वाले तलबा हैं, ये सब्जेक्ट है, और जो किया तलबा ने पेपर वो ऑब्जेक्ट है। तलबा ने पेपरों को जो किया वो वर्ब होता है, वो किया सॉल्व किया है। तो हम पैसिव वॉइस में ये करते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखें, इस पेपर्स को उठा के इधर कर लेंगे एज अ सब्जेक्ट, ये कर दिया मैंने पेपर्स, और इसको स्टूडेंट को उठा के इधर लगा देंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। और मैंने आपसे ये कहा हुआ है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो साथ बाई लगाना है आपने, और ये साथ बाई लगा दिया आपने। ये पहली हर पैसिव वॉइस के टेंस में ये जरूरी होता है कि जो सब्जेक्ट का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको साथ यू हैव टू यूज बाई विद दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के साथ आपको बाई लगाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल द पैसिव वॉइस टेंसेस, सारों में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां थर्ड फॉर्म भी लगा दे सॉल्वड होगी, और हैव तो पहले ही यहां हैव भी लगा दें। अब आप कहेंगे हैव और थर्ड फॉर्म तो पहले थी, हमने क्या इसमें चेंज की, वाकई कोई चेंज नहीं की हमने, अभी तक हमने कोई चेंज नहीं की, और ये टेंस है भी गलत, इसलिए गलत है। अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी थी वो तो पहले लगी ही एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस कहते हैं, और मैं बना रहा हूं पैसिव वॉइस इसका, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने के लिए कुछ तो चेंज आती है ना, एक चेंज तो मैंने कर दी है। क्या चेंज की मैंने, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर हमें एक और फॉर्म चाहिए वर्ब की, वो क्यों चाहिए, उसकी दो वजह है, एक हम पैसिव वॉइस में टर्न कर रहे हैं, दूसरी बात ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, पक्का याद रखें। और ये थर्ड फॉर्म तो हमने लगाई है पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है, और देखिए परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है, तो दो वर्ब हमें चाहिए ना, तो दोनों थर्ड फॉर्म में चाहिए, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। एक थर्ड फॉर्म तो मैंने लगा दी है, अब एक थर्ड फॉर्म हमें और चाहिए। फिर मैं आपसे उधर लेके चलता हूं कि बी की फॉर्मों की तरफ आए, बी की फॉर्म में देखें, बी इज आर एम, वाज वर सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या है आप बताएं, थर्ड फॉर्म है बिन, थर्ड फॉर्म बिन ही है ना, तो थर्डी तो मैं कह रहा हूं लगनी है, तो यहां बीन ऐड कर दें। ये पेपर्स हैव बीन सॉल्वड बाय द स्टूडेंट्स, अब मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने सिर्फ बिन को ऐड किया है। बिन को मैंने क्यों ऐड किया है कि थर्ड फॉर्म लगनी है हैव के साथ, और थर्ड लग गई है, और ये सॉल्वड है पैसिव वॉइस के लिए, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस से बाई लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर आपको ज्यादा बार अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं ग्वाला गाय का दूध निकाल चुका है, चलिए ये सेंटेंस मैंने बोला है, आप बनाएं, ग्वाला
गाय का दूध निकाल चुका है। ग्वाले को क्या कहते हैं? मिल्कमैन। तो द मिल्कमैन, ये पहले मैं एक्टिव वॉइस में लिख रहा हूं, पैसिव वॉइस बाद में कन्वर्ट करूंगा। हैज द मिल्कमैन हैज मिल्कड द कॉ। मिल्क वर्ब भी है और मिल्क नाउन भी है। नाउन होगा तो इसका मतलब होगा दूध, वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा दूध निकालना। तो मैंने मिल्कड लगा लिया है, द कॉ कौ का दूध निकाल चुका है। अब अगर इसका बनाना हो पैसिव वाइज, आपसे मैं कहता हूं इसका पैसिव वाइज बनाए तो आप सबसे पहले जो वर्ब है उसको काबू करें। वर्ब कौन सा है? ये हैज मिल्कड, ये वर्ब हो गया। नंबर दो, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वाइज बनेगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट है पहले चेक कर लें, ग्वाले ने किसका दूध दुहाया है? गाय का, तो गाय तो है फिर, ये देखें ये हो गया ऑब्जेक्ट। और गाय का दूध किसने दुहाया है? वो करने वाला सब्जेक्ट होता है, ये ग्वाला हो गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो हमारी कंडीशन पूरी हो रही ना। और मैंने आपको रूल दिया है कि आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। और मैंने यह भी कहा है कि जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस बनेगी प्रोनाउन की, लेकिन ये नाउन है, देयर इज नो नीड टू चेंज। मिल्कमैन को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये नाउन है। कॉ भी नाउन है, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, वरना वो जिस तरह ही का हिम बनता है, आई का मी बनता है, वी का अस बनता है, ऑब्जेक्टिव केस बनती है ना, लेकिन यहां नहीं बनेगी। अब करेंगे द कॉ, कॉ इधर आ गई ना, बाई द मिल्कमैन इधर लगा लें, बाई मिल्कमैन, ये स्पेस कम है, मैं ऐसे लिख दिया है। बाई क्यों लगाया है? मैंने कहा था जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई लगाते हैं, बाई लगा दिया, कॉ भी लगा दिया। अब मुझे बताएं कॉ के साथ हैज लगना के हैव, फिर देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ दोबारा जाएं आप। मैंने आपसे कहा था कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो सिंगल में भी यूज होती है, एस और ई एस में भी यूज होती है, और एस और ई एस में जब यूज होती है तो उसके साथ ये लगते हैं ही शी इट और सिंगुलर नाउन, ही शी इट और सिंगुलर नाउन। तो भाई ये सिंगुलर ही तो है, कौ कौ ज्यादा हो तो फिर प्लूरल नीचे आएगा, उसके साथ हैव लगेगा, और ये सिंगल है तो हैज लगेगा, हैव की एस वाली फॉर्म, तो यहां हैज ही तो लगेगा ना, हैज लगेगा। और थर्ड फॉर्म तो पहले लगी ही है मिल्कड, यहां लगा देता हूं मैं। अच्छा, ये मिल्कड हो गया पैसिव वॉइस के लिए, ये हो गया हैज हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपके पहले कहा हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना, हमने बिन हमें ऐड करना पड़ेगा इसके साथ थर्ड फॉर्म के लिए। और बी की तीसरी फॉर्म देखिए, ये बी है, बी की थर्ड फॉर्म बिन होती है, तो यहां बिन लगा देना। ये बन गया द कॉ हैज बिन मिल्कड बाई द मिल्कमैन। कोई शक तो नहीं इसमें, क्लियर होगी बात। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं तो मैं बोल रहा हूं, आप पॉज करके देख सकते हैं इसका नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है। मैंने आपसे कहा हुआ है कि जितने ये हेल्पिंग वर्ब हैं इनके बाद आप नॉट ऐड कर दें, तो नॉट ऐड कर देना इसके बाद, द कॉ हैज नॉट बिन मिल्कड बाई द मिल्कमैन, नॉट लगा दिया। अब इसी हैज को उठाएं, यहां से सब्जेक्ट से पहले लें, हैज द कॉ बिन मिल्कड बाई द मिल्कमैन, और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाएं। अगर आप चाहते हैं इसका क्वेश्चन भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, तो हैज को शुरू में भी लगाएं और बिन से पहले नॉट भी लगाएं, ऐसा बनेगा हैज द कॉ नॉट बिन मिल्कड बाई द मिल्कमैन एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, ये तो था जब आपको पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन कि इसको पैसिव वॉइस बनाएं, आप बना देंगे। अगर आपको उर्दू सेंटेंस आता है, उर्दू में लिखा होता आता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि ईद पर नए कपड़े खरीदे जाते हैं, तलबा ईद पर नए कपड़े खरीदे जाते हैं, गौर करें सेंटेंस पे मैंने क्या बोला है, कपड़े खरीदे जाते हैं, खरीदने वाले को मेंशन नहीं किया गया, खरीदने वाला मेंशन नहीं किया गया, ईद पर नए कपड़े खरीदे जाते हैं, नए क्या खरीदा जाता है, जो क्या होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, ईद नहीं, ईद नहीं, ईद जो ईद नहीं खरीदी जाती, कपड़े खरीदे जाते हैं, ईद पर है, तो इसलिए वो एट के साथ है, एट और ये ऑन के साथ है या इन के साथ है, वो प्रेपोजिशन के साथ आएगा तो वो नहीं होगा ऑब्जेक्ट।
अब नए कपड़े ऑब्जेक्ट है, मैं उसको बनाता हूं फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नए कपड़ों की क्या देखें, जो खरीदा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं बोला था ईद पर, मैं लिख भी देता हूं, ईद पर नए कपड़े खरीदे जा चुके हैं। सॉरी, ये प्रेजेंट परफेक्ट चुके ही आएगा ना, ये लिए हैं, खरीद लिए हैं, ईद पर नए कपड़े खरीदे जा चुके हैं। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन ये पैसिव वॉइस में आ गया है। देखें इस सेंटेंस में आपको पेपर में आएगा कि उर्दू के सेंटेंस होंगे, आपसे कहा जाएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका इंग्लिश में तर्जमा करें, तो आप इसमें से सब्जेक्ट ढूंढेंगे। कपड़े खरीदने वाला का मेंशन नहीं किया गया, जो खरीदा गया वो बता दिया, क्या खरीदा, नए कपड़े खरीदे गए हैं, ईद नहीं खरीदी गई, ईद को ना सब्जेक्ट बनाना, नए कपड़ों को आपने, नए कपड़े ऑब्जेक्ट है, आपने उसको सब्जेक्ट बनाना है। यहां लिखे न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, खत्म, इतनी सी बात है। अब आपने गाना हैज या हैव, अब बताएं कपड़े प्लूरल है सिंगुलर है, सिंगुलर होता तो ये लिखा है, मैंने सिंगुलर के साथ लगना चाहिए एस वाली फॉर्म, और प्लूरल के साथ लगनी है बगैर एस के फॉर्म, बगैर एस के फॉर्म होती है हैव, तो आप हैव लगा दें, न्यू क्लॉज हैव। फिर मैं अभी अभी आपको बता के हटाऊं कि हैव के साथ लगनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमारे पास है किसकी, बी की, बी की सेकंड फॉर्म वाज वर है, थर्ड बिन है, तो यहां बिन लगा दें, फिर आप ये बिन लगा दें। फिर आए अपने सेंटेंस की तरफ, कपड़े खरीदना, खरीदना वो क्या कहते हैं, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म आप लगाएं, बाई बॉट, बॉट, तो यहां लगा दें बॉट। ऑन ईद, कब खरीदे, ईद पर ना, ऑन ईद, ऑन ईद को सब्जेक्ट ना समझे आप, सब्जेक्ट खरीदने वाला होता है, ईद ने नहीं खरीदे कपड़े, खरीदने वाले की गर्ल होंगी, बॉयज होंगे, मैन होंगे, वुमेन होंगी, ईद ने नहीं खरीदे, इसलिए ईद इज नॉट ऑब्जेक्ट। ऑन ईद, ये देखें ऑन प्रेपोजिशन है, ईद नाउन है, ये तो प्रेपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कहीं बाई ना लगा देना इसके साथ, बाई तब लगता जब ईद, मैं कहता हूं ईद कपड़े खरीद, ईद ने कपड़े खरीदे, तो फिर आप कह सकते हैं बाई ईद, तो ईद ने तो नहीं खरीदे ना कपड़े, तो यहां जो है सेंटेंस यहां हमारा खत्म हो गया, ईद पर न्यू क्लॉथ हैव बीन बॉट ऑन ईद, कपड़े खरीदे गए। अब देखें उर्दू में है तो आपने ऐसे करना है, उर्दू में है तो बाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है, खरीदने वाला कोई नहीं है। एक सेंटेंस और देखें फिर बात ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूं घड़ी को चाबी दी जा चुकी है, घड़ी को चाबी दी जा चुकी है, तो इसमें कुछ नहीं, घड़ी की इंग्लिश आनी चाहिए, चाबी की इंग्लिश आनी चाहिए, और दो ही तो चीजें इसके अंदर, घड़ी को क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं, अगर क्लॉक है तो वॉल क्लॉक कहते हैं, चाबी देना वाइंड होता है, दो बातें चाहिए ना, इतना लंबा सेंटेंस दे के परेशान नहीं हो जाना। घड़ी को चाबी दी गई ना, दी किसने है उसका तो मेंशन ही कोई नहीं, तो ऐसे उर्दू में ऐसे सेंटेंस आते हैं बगैर और सब्जेक्ट के, इंग्लिश में आएगा तो वो सब्जेक्ट के साथ आपको मिलेगा, सब्जेक्ट साथ होगा वो भी आपको बताता हूं मैं, और अगर उर्दू दिया होगा कि एक तो इंग्लिश बनाए, ये पैसिव वाइज है, तो इसका आपने ऐसे बनाना है, देखें घड़ी को चाबी दी गई ना, चाबी काम घड़ी पे हुआ है, तो घड़ी पहले लिख दें, वॉल क्लॉक लिख दें, क्लॉक लिख दें, वॉच लिख दें, जो आपको पसंद है क्लॉक लिख दें, द क्लॉक, चलें क्लॉक हो गया। अब क्लॉक सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर होगा तो ये देखें ये बी ग्रुप है, सिंगुलर के साथ इट शी ही के साथ लगेगा हैज, और अगर आई वी यू दे है और प्लूरल है तो लगेगा हैव, तो भाई ये सिंगुलर है, क्लॉक सिंगुलर है ना, तो हैज लगेगा, द क्लॉक हैज। और मैं अभी अभी आपको बता के हटाऊं कि बी की थर्ड फॉर्म यहां लगानी है, बी ये है, थर्ड फॉर्म इसकी बिन है, तो बिन लगा दें, ये बिन लग गया। और आप आए चाबी देना की इंग्लिश, क्योंकि आप चाबी, चाबी देना होती है वाइंड, अच्छा एक लफ्ज होता है विंड, एक होता है वाइंड, स्पेलिंग एक ही होते हैं, बोलने में फर्क होता है, विंड नाउन है, एयर हवा को कहते हैं विंड, और वाइंड वही वही स्पेलिंग वही वर्ड है ये, लेकिन ये वर्ब है, वाइंड वाउंड वाउंड, तो वाइंड सिंगल फॉर्म, वाउंड दूसरी फॉर्म, वाउंड तीसरी फॉर्म, तो आएगा द क्लॉक हैज बीन वाउंड, बस खत्म, आगे कुछ है ही नहीं, बाइक किसने चाबी दी,
वो है ही कुछ नहीं, हम बाई क्यों लगाएंगे भाई, इतनी सी देखें हैज बीन वोन, ये वर्ब है सारा और ये सब्जेक्ट है, यानी जिसको चाबी दी गई है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट द वो सब्जेक्ट बना हुआ है। क्लियर होगी बात, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, हैज के बाद नॉट लगा दें आप, हैज को शुरू में लगा दें, तो ये दे आर वेरी इजी सेंटेंस। इसी तरह और देखें कि एक सेंटेंस और देख लें, वो मैं उसके बाद उसमें कुछ आपको मैंने कुछ और सीक्रेट बताने हैं, और वो है कि चलें, द जगलर हैज शोन ट्रिक्स, मदारी करतब दिखा चुका है, मदारी या मजिशियन या जगलर हैज शोन दिखा चुका है ट्रिक्स, अपने करतब, अपने फीट्स करतब। अब आपने क्या करना है, करतब मदारी से दिखाए जा चुके हैं, ऐसे ही बोलना ना आपने, यानी ऑब्जेक्ट को बनाना है आपने सब्जेक्ट, तो भाई ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है मदारी, ये बीच में वर्ब है, तो वर्ब को तो रहने दें, उसको तो बाद में देखते हैं, पहले ट्रिक्स को उठा के इधर ले आए, ट्रिक्स अब बन गया ट्रिक्स, इस मदारी को उठा के इधर ले जाए, बाई द जगुलर, मजिशियन भी कह सकते हैं, जगुलर भी कह सकते हैं, बाई द जगुलर मदारी, मदारी अब देखें लग गया, बाई लगा क्यों लगा, कि यहां सब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो दी लगेगा। अब मुझे बताएं ट्रिक्स सिंगुलर है प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर है तो इस बी कैटेगरी में जाएगा, ये सिंगुलर नाउन है ना, तो एस वाली फॉर्म लगनी है, अगर ये प्लूरल है तो ये आई वी यू दे प्लूरल में जाएगा, वहां बगैर एस के फॉर्म लगनी है, हैव जो है ये बगैर एस के है, हैज एस वाली है, तो भाई ये प्लूरल है तो यहां हैव ही लगेगा ना, हैव लग गया, और बिन मैंने आपको कहा था बी की थर्ड फॉर्म, ये बिन थर्ड फॉर्म क्यों आई है, कि परफेक्ट है तो लगा ले यहां बिन। अब शो होता है दिखाना, वो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो शोन लगा लें यहां, ट्रिक्स हैव बीन शोन बाय द जगुलर, जरा डिस्टेंस ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, ट्रिक्स हैव बीन शोन ये वर्ब है सारा, और ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना हुआ है, और ये जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पूरा सेंटेंस ये बन गया, ट्रिक्स हैव बीन शोन बाय द जगुलर बाय द मैजिशियन, कुछ भी लगा सकते हैं आप, क्लियर होगी बात ये। अब आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपने एक सेंटेंस घर जाके पकड़ना है, उसका बनाना है पहले एक्टिव वाइज, एक्टिव वाइज बना के अपने पास रखें, फिर उसका बनाना है आपने पैसिव वाइज, जैसे मैंने आपको बना के दिया है, फिर आपने उर्दू का एक सेंटेंस पकड़ना है, दरख्त काटे जा चुके हैं, जिसमें सब्जेक्ट ना हो वो पकड़ना है आपने, दरख्त काटे जा चुके हैं, ट्रीज हैव बिन कट, हैव बिन कट, और इसी तरह कुआं खोदा जा चुका है, द वेल या डिच, द वेल या डिच कुछ भी लगा सकते हैं, हैज बिन डग खोदा जा चुका है, तो ये इट इज वेरी इजी सेंटेंस टू लर्न, थैंक यू वेरी मच।